और ओमकारम। साई राम, साई राम। चलिए तो बच्चों, आज आज हम देखने वाले, हमने अ की, आ की और उ, बड़े उ तक की मात्राएं हमने देखी है ना, ई उ और उ, ठीक है, सबने देखी ना, सबने लिखे थे शब्द, ठीक है, सबने, मैम ने शब्द लिखवाए थे ना, है ना। अब आज हम देखते हैं ए की मात्रा, छोटा ए, ठीक है, जिसमें केवल एक मात्रा लगती है। ए की मात्रा जो होती है उसमें केवल एक मात्रा लगती है। अब आप में से किस किस के नाम में ए की मात्रा है, देखो जरा, अपना अपना नाम देखो। देखो, नंदिनी में ए की मात्रा नहीं है, ई की है ना, आर्यु में भी नहीं है ना। हाँ, देवांशु में ए की मात्रा है, दा में ए की मात्रा है ना। और यस वात्सल्य, वात्सल्य भी ए की मात्रा नहीं है बेटा, वात्सल्य वा में आप सर, अद्विक में भी नहीं है ए की मात्रा। हम ए की मात्रा ढूंढ रहे हैं ना बेटा, हम ए की मात्रा ढूंढ रहे हैं। मायरा में भी नहीं है, आ की मात्रा है मायरा में, है ना। अविका में भी आ की मात्रा है और छोटी ई की मात्रा है, ठीक है। ईशिता, ईशिता में भी छोटी ई की मात्रा है और आ की मात्रा है। भूविका, भूविका में भी छोटी ई की मात्रा और आ की मात्रा है। रोहन, रोहन में कौन सी मात्रा है, रोहन, रा में कौन सी मात्रा है, क्लिकी हाँ वो ओखली की मात्रा है ना। हाँ, प्रियल, प्रियल में कौन सी मात्रा है, प्रियल, प्रियल, प्रियल में छोटी ई की मात्रा है। अद्विक, अद्विक में ई की मात्रा है ना। उसके बाद वात्सल्य, वात्सल्य में आ की मात्रा है और देवांशु में ए की मात्रा है। और कास्बी, कास्बी में आ की मात्रा और ई की मात्रा है। तो हम यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं अभी मेरे सामने, उसमें एक देवांशु है जिसमें ए की मात्रा है। अंदाज आ में कयांश, कयांश में आ की मात्रा है ना। हाँ, मेरे में कैसे, अद्विक, आ की मात्रा आ रही है। आगे मात्रा भी अच्छा निकलती है। आद्विक है, ओके 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 ओके, आद्विक है तो आ की भी मात्रा आ रही है और ई की भी आ रही है। आराध्या, आराध्या में आ, बड़ा आ से ही नाम शुरू होता है आराध्या का, है ना। तो ये हुई अभी तक की मात्राएं। तो आज हम देखते हैं ए की मात्रा जिसमें केवल एक मात्रा लगती है। चलिए, कॉपी और पेंसिल है आपके पास, तो खोल लीजिए वो। यस मैम, कैसे आपको पता है एक ही मात्रा कैसे लगती है? मैम? हाँ, वेरी गुड, आपको पता है। तो मैं यहाँ पर एक ही मात्रा के एक सिंगल मात्रा वाले कुछ शब्द बोल रही हूँ और वो आपको डिक्टेशन में लिखना है, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। चलिए शुरू करें, शुरू करें।
Yes, ma'am. Are you ready? All of you ready? Yes, I am ready, ma'am. Okay. तो ध्यान से सुनना है, ठीक है, और उनको लिखना है, ठीक है, ओके. तो पहला शब्द है रेल. पहला शब्द कौन सा है? रेल. र में एक ही मात्रा, रे, और ल, रेल. लिखो. अच्छा, जब आप लिखो ना, जब आप लिख लो तो मुझे थम दिखाना, बार बार माइक नहीं खोल. हाँ, जब आप लिख लो तो मुझे थम दिखा देना, है ना. हमने पहले भी किया है ना ऐसा, ठीक है. बार बार कैमरा माइक नहीं खोलना. हाँ, वेरी गुड. चलिए, अब दूसरा शब्द है खेल. ख में एक ही मात्रा, खे, ल, खेल. खेल, ख में एक ही मात्रा, खे, और ल, खेल. शाबाश, शाबाश प्रियल, वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ, चलो, सबको समझ में आ गया कि थम दिखाना है. कि आंच आप चैट बॉक्स में मत लिखो, केवल थम दिखा दो, मुझे दिख रहे हो आप, ठीक है बेटा. शाबाश. चलो नेक्स्ट, अगला शब्द है शेर. श में एक ही मात्रा, शेर, र, शेर. हाँ, शेर तो सबने देखा है, शेर की पिक्चर सबने देखी है, देखी है ना, जंगल का राजा शेर, है ना. बब्बर शेर कहते हैं, बब्बर शेर. हाँ, बब्बर शेर भी होता है, शेर भी होता है बेटा, दोनों चीजें कहते हैं ना. चलिए, हो गया, थम दिखाओ, जिसका जिसका हो गया, शाबाश शाबाश शाबाश. अच्छा, अब जो अगला शब्द है वो सब लोग खाते हैं, एक फल का नाम है, पता है क्या है वो? सेब. है केला. केला. केला सेब भी हो सकता है. आगे आएगा, सेब आगे है, है ना, जो मेरी लिस्ट है ना उसमें आगे है सेब. पहले केला लिखो. अच्छा, केला में एक और मात्रा है, का में एक ही मात्रा है, और ला में कौन सी मात्रा है? काकी. बिल्कुल सही, बिल्कुल. और आ की मात्रा तो हम कर चुके हैं पहले ही, कर चुके ना. देव. यस मैम, मुझे बहुत सारे. हाँ हाँ हाँ, वात्सल्य. ठीक 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 ओके. चलिए नेक्स्ट शब्द है, अगला शब्द है पेड़. पेड़, प में एक ही मात्रा, पे, और ड, पेड़. सबने लिख लिया? नहीं. शाबाश शाबाश, वेरी गुड. आपने सबसे पहला वर्ड क्या बोला था? सबसे पहला वर्ड मैंने रेल बोला था, वात्सल्य. र में एक ही मात्रा, रे, और ल. सबसे पहला शब्द मैंने रेल बोला था, ठीक है बेटा. आपने लिख लिया वात्सल्य? यस मैम. ओके ओके, चलिए मैम. हाँ बेटा. मैम. हाँ, आप है ना, मैम मेरी मीटिंग बार बार लीप हो रही, इसलिए आप दोबारा से शुरू से बता दो. ओके बेटा. आराध्या, मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ, आप मिला लो, ठीक है. बाकी बच्चे एक मिनट के लिए रुक जाओ, मैं आराध्या को मिलवा दूँ. आराध्या मीटिंग से लीव हो गई थी इसलिए, ठीक है बेटा, एक मिनट रुक जाओ. हाँ हाँ, आराध्या, सबसे पहला शब्द है रेल, दूसरा है खेल. खेल हो गया मैम. हाँ, उसके बाद है शेर. शेर. हाँ, उसके बाद है शेर.
शेर के बाद है केला। केला हो गया मैम। हाँ, केला के बाद है पेड़। पेड़। यस मैम हो गया। ओके, आप सारे बच्चे सुनेंगे, ठीक है? हाँ, सारे बच्चे सुनेंगे। हाँ वात्सल्य बोलो। खेल का क्या था? हाँ, खेल का क्या था? क्या खेल के बाद क्या था? खेल के बाद, खेल के बाद क्या था? शेर। खेल के बाद क्या था मैम? खेल के बाद शेर था वात्सल्य। खेल के बाद था शेर, और शेर के बाद था केला, और केला के बाद था पेड़। लिखा वात्सल्य आपने? ओके मैम। हाँ चलिए, नेक्स्ट। सारे शब्द नेक्स्ट सुनिए सारे बच्चे। अगला है खेत। ख में एक ही मात्रा खे और त, खेत। खेत सबने देखा है ना? देखा है ना सबने? हाँ, खेत में फसल उगती है ना? खेत में सब्जियां भी उगती हैं, है ना? फल भी उगते हैं। तो हमारे जीवन में खेत का बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है? खेतों से हमें अनाज मिलता है, हम जो रोज खाते हैं ना वो मिलता है, ठीक है? खेत हो गया सबका। खेत, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। ओके, खेत के बाद है रेत। र में एक ही मात्रा रे, त रेत। रेत सबको पता है क्या होता है? रेत में सब लोग खेले होंगे, है ना? रेत के, रेत में खेलने में बड़ा मजा आता है। रेत के अपन घर बनाते हैं, है ना? रेत में जब हम खेलते हैं तो रेत के घर भी बनाते हैं। हाँ, सीप भी मिलती है ना? रेत में खजाने भी मिल जाते हैं। खजाने मतलब, हाँ मिल जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, रेत में खेलने में बहुत मजा आता है ना? तो ऐसी है एक ही मात्रा वाली रेत, ठीक है? चलिए अगला है, अगला शब्द ध्यान से सुनिए, मेला। म में एक ही मात्रा में और ला, मेला। लिखा, सबको समझ में आया? नंदिनी, लिखा आपने? मेला लिखो बेटा, मेला। म में ए की मात्रा में, ल में आ की मात्रा ला, मेला। मेले में सब घूमे होंगे ना? मेले में जाते हैं अपन, वहां खूब सारे झूले होते हैं, है ना? खूब सारी दुकानें लगती हैं, आइसक्रीम की दुकान भी लगती है ना? लगती है ना? हम आइसक्रीम भी खाते हैं वहां पे, खिलौनों की दुकानें भी होती हैं, और खूब सारे झूले भी होते हैं मेले में, तो वो हम झूलते हैं झूले, है ना? सब लोग गए हैं ना मेले में? हाँ, शाबाश, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, अगला शब्द ध्यान से सुनिए, ठेला। ठ में एक ही मात्रा ठे, ल में आ की मात्रा ला, ठेला। आपने देखा होगा ठेले पे सब्जी बेचने वाले अंकल आते हैं, है ना? ठेले पे अपनी सब्जियां रख के वो बेचने आते हैं, और बहुत सारा सामान भी रखते हैं ना ठेले पे। हम सामान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर भी ले जाते हैं, ठीक है? तो ठेला एक बहुत ही उपयोगी चीज है, उपयोगी वस्तु है। हाँ बोलो, क्या चाय भी लगती है? हाँ चाय, क्या क्या बोल रहे हो?
व्हील भी आगे रहती है व्हील। हाँ, उसमें चार व्हील होते हैं, है ना, चार पहिए होते हैं उसमें, ठीक है, ठेले में चार पहिए भी होते हैं। चलिए अगला शब्द बोलूं, हो गया आपका पहला शब्द। हाँ चलिए, अगला शब्द है उस चीज से हम सब बहुत प्यार करते हैं, हमारा देश, है ना। द में एक ही मात्रा दे और श शक्कर का, देश। हम हमारे देश से बहुत प्यार करते हैं, करते हैं ना। हमारे देश का नाम क्या है? भारत, भारत, करेक्ट, भारत, हमारे देश का नाम है भारत, है ना। और शाबाश शाबाश। हाँ मैम अपन पृथ्वी के अंदर ही रहते हैं ना। हाँ बेटा, हम पृथ्वी पर ऊपर रहते हैं, पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, है ना, ठीक है। हमारे ग्रह का नाम क्या है? पृथ्वी, ठीक है। अच्छा, भारत की, मैम हाँ देवांश, हाँ देश हाँ देवांश बोलो। में मेरा देश हाँ देश में पूरी पूरी सेम टू सेम मात्रा भी और मेरा नाम का पहला अक्षर भी है। हाँ हाँ करेक्ट, दे केवल बीच में वा आता है ना देवांश, देवांशु, देवांशु, है ना, ठीक है। तो तुम्हारे नाम में देश छिपा हुआ है ना। अच्छा, हमारे देश का नाम भारत है, तो भारत में कौन सी मात्रा है? आगी हाँ, भारत आगी आगी में कौन सी मात्रा है? आगी आ की आगी मात्रा है। तो जब हम आ की मात्रा के शब्द बोलते हैं तो उसमें भारत भी आता है ना, ठीक है। अच्छा, यस मैम। सबका हो गया, आगे बढ़े। ओके, आप जो आपने जो केला बोला था, जब मैंने वो फ्रूट बोला था ना आपने, अब वही है, कौन सा है बताओ। हाँ सेब, करेक्ट करेक्ट, लिखो सेब, 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 लिखो स में एक ही मात्रा से और ब, सेब, लिखो। सेब जो होता है वो बहुत ही हेल्दी फ्रूट होता है ना। रोज एक सेब खाना चाहिए, ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं। हाँ मैम जेब और देब भी तो हो सकता है, जेब और देब, हाँ बेटा, अब जो मैं बोल रही हूँ पहले वो सुन, रुको देब हो रुको, सकता अब है, रुको, मैम केला, मैम हो सकता मैं जो वर्ड बोल रही हूँ वो लिखते जाओ आप, ठीक है। सेब, है, मैम केला के बाद कौन सा वर्ड है? सेब, सा में एक ही मात्रा से, ब, सेब। चलिए अगला वेदांत हो अगला सकता शब्द है मैम, लिखिए। हाँ वेदांत हो सकता है। हाँ वेदांश भी हो सकता है। अच्छा चलिए, अब अगला शब्द लिखिए। अगला शब्द है नेता, ना में एक ही मात्रा ने, ता में आ की मात्रा ता, नेता। लिखा सबने? मैम नेता का मतलब क्या होता है? नेता का मतलब होता है लीडर, लीडर जो हम सबको आदेश देता है ना। जैसे एक कोई भी ग्रुप बनाते हैं, पॉलिटिशियन, हाँ मैम पॉलिटिशियन भी होता है। हाँ पॉलिटिशियन इंग्लिश में बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। पर जैसे हम आपकी कोई एक्टिविटी भी कराते हैं ना जब, है ना, तो उसमें हम ग्रुप लीडर बनाते हैं, उसको भी आप हिंदी में नेता बोल सकते हो, ठीक है। जब आपकी कोई ग्रुप एक्टिविटी कराते हैं तो उसमें एक लीडर बनाते हैं ना,
ग्रुप लीडर, तो उसको भी आप समूह का नेता कह सकते हो। नरेंद्र मोदी नेता है जी, बिल्कुल नरेंद्र मोदी एक नेता है और वो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं, है ना वात्सल्य? वो हमारे देश के कौन है? प्रधानमंत्री। हाँ प्रधानमंत्री हैं। चलिए अब अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाँ हाँ करेक्ट, राहुल गांधी। अब अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है मेरा, मेरा। म में ए की मात्रा में, र में आ की मात्रा रा, मेरा। लिखो बेटा नंदिनी, मेरा लिखा आपने, लिखो। मेरा, मेरा और उसके बाद में है तेरा, मेरा के बाद है तेरा। शाबाश शाबाश बेटा प्रियल, वेरी गुड। मायरा वेरी गुड। मैम हाँ बोलो। कैन आई गो टू वॉशरूम? ओके बेटा गो 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 एंड कम। अच्छा अब जो शब्द मैं बोलने वाली हूँ वो ध्यान से सुनना, ठीक है? उसमें तीन शब्द हैं, तीन अक्षर हैं, ठीक है? तीन अक्षर वाला शब्द है। हो आए बेटा नंदिनी, हो आओ आप टॉयलेट, हो आओ बेटा वॉशरूम, हो आए नंदिनी? ओके ओके यस मैम। ओके अब है लेखक, लेखक। ल में ए की मात्रा ले, ख और क, लेखक। लेखक मतलब जो लिखता है, जो पोयम लिखता है, जो स्टोरीज लिखता है, जो नॉवल लिखता है, उसको क्या कहते हैं? लेखक। मैम ले हम भी लेखक हैं। हाँ, तो आप अभी एक ही मात्रा के शब्द लिख रहे हो तो आप सारे बच्चे अभी क्या हो? लेखक। हाँ सारे बच्चे क्या है? लेखक। अरे वाह सारे बच्चे आज तो लेखक बन गए भाई, क्या बात है। चलिए अगला शब्द बोलूं। अगला शब्द है सवेरा, सवेरा। लिखिए स, व में ए की मात्रा वे, र में आ की मात्रा रा, सवेरा। सवेरा मतलब क्या होता है आपको पता है ना? अभी क्या सुबह, जिसे नॉर्मल भाषा में हम सुबह, हाँ तो अभी क्या चल रहा है? सुबह, अभी सुबह है ना? सुबह के 8:20 हुए हैं, है ना? तो इसे हम क्या कहेंगे? आज का सवेरा, है ना? ठीक है, वेरी गुड। चलिए सबने लिख लिया सवेरा। चलिए अब अगला शब्द है अनेक, अनेक। अनेक, अ न में एक ही मात्रा ने और क, अनेक। अनेक मतलब बहुत सारे, है ना? अनेक मतलब क्या होता है? बहुत सारे, ठीक है? मैम हम भी अनेक हैं। हाँ आज हमारी सेकंड ए की क्लास में अनेक बच्चे हैं, है ना? अनेक बच्चे है ना? हाँ बहुत सारे बच्चे, अनेक मतलब बहुत सारे, है ना? हाँ चलिए अगला शब्द बोलूं। हाँ अगला शब्द है च में
चमेली, चमेली, चमेली का फूल होता है ना, बहुत सुंदर होता है, वाइट रंग का और बहुत सुंदर खुशबू होती है चमेली। च म में एक ही मात्रा ए में और ला में बड़ी की मात्रा ली, चमेली। चमेली लिख लिया सबने? और देखना किसी के आसपास अगर चमेली का फूल लगा हो तो देखना आप, ठीक है? चमेली का फूल बहुत अच्छा होता है, बहुत ही सुंदर और बहुत सुगंधित होता है, वाइट कलर होता है उसका, ठीक है? ओके, अगला शब्द। हाँ बेटा, पहली। हाँ चलिए अगला शब्द। अगला जो शब्द है ना वो बहुत मीठा है, पता है आपको? उसको सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। बोलो, जलेबी, जलेबी। कौन कौन खाता है जलेबी? हाँ, जो खाता है वो थम दिखाओ, जो जलेबी खाता है वो थम दिखाओ। बहुत टेस्टी और मीठी होती है ना जलेबी? सबने खाई है, खाई है ना, सबने जलेबी खाई है ना? हाँ लिखा सबने, जलेबी। क्यों भूविका आपने नहीं खाई बेटा? भूविका, भूविका जलेबी नहीं खाई आपने? मैम मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छा आपको अच्छी नहीं लगती, कोई बात नहीं, देखी तो होगी ना आपने जलेबी कैसी होती है भूविका? यस मैम। हाँ ठीक है, आपने देखी है, कोई बात नहीं, किसी को कुछ पसंद नहीं होता है। हाँ गोल 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 होती है ना? हाँ और उसका रंग कौन सा होता है? की होती है ना? उसका ऑरेंज होती है। ऑरेंज कलर होता है, चक्री जैसी होती है ना? चक्री जैसी होती है, हाँ करेक्ट, बिल्कुल सही, चक्री जैसी होती है जलेबी। कोई कहता तो आप बोलते ना बड़ा जलेबी जैसा सीधा है, जबकि जलेबी सीधी होती नहीं है, है ना? जलेबी तो गोल 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 होती है, ठीक है? चलिए अगला शब्द बोलूं मैं, अगला शब्द है तेज। अगला शब्द है तेज, ता में एक ही मात्रा ते और ज, तेज। तेज मतलब फास्ट है ना, तेज मतलब फास्ट। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे बहुत फास्ट लिखते हैं, लिखते हैं ना, बहुत तेज दौड़ते भी हैं। तेज तेज काम करते हैं, तेज मतलब फास्ट। मैम हाँ बेटा बोलो। तेल भी हो सकता है तेल मैम? हाँ बेटा बोलो, तेल भी हो सकता है। हाँ अगला शब्द तेल ही है, लिखो तेज के बाद तेल। तेल का क्या मतलब होता है? ऑयल है ना। अच्छा ऑयल दो प्रकार का भी होता है, खाने वाला ऑयल भी होता है और लगाने वाला भी होता है, होता है ना? मैम जलेबी के बाद से बोला था आपने, जलेबी के बाद में डाला जाता है, वो कार में डाला जाता है ऑयल। हाँ कार में भी डालते हैं बेटा। मैम जलेबी के बाद क्या बोला था आपने? जलेबी के बाद बोला था तेज, वात्सल्य तेज, तेज। ओके और तेज के बाद बोला तेल, ठीक है? लिख सकती हाँ मैम,
अच्छा अब अगला शब्द है आगे, अगला शब्द है आगे, आगे। हाँ रोक लिखो देवांशु, आगे। अगला शब्द लिखो आगे। मैम, डन मैम, डन लिखा, सबने लिखा, थम दिखा दो अगर लिख लिया हो तो। नंदिनी लिख लिया? हाँ शाबाश। अच्छा अब अगला शब्द है पीछे। पीछे प में बड़ी की मात्रा पी, छ में ए की मात्रा छे, पीछे। पल्लवी कैमरा आज भी नहीं चल रहा जबकि मैंने कितने जल्दी स्टार्ट कर दिया था। लिखा बेटा पीछे। अच्छा अब है अगला शब्द है नीचे। ना में बड़ी की मात्रा नी, चा में ए की मात्रा चे, नीचे। हाँ लिखा सबने नीचे। हाँ अब लिखिए अगला शब्द, अगला शब्द लिखिए रे श म, रेशम। र में एक ही मात्रा रे, श म, रेशम। र में एक ही मात्रा रे, श म, रेशम। रेशम बहुत मुलायम होता है ना, आपने देखा है ना, बहुत चमकदार मुलायम होता है रेशम। चलो आप सब लोग लिखो देवांशु, लिखो देवांशु। हिंदी में लिखना है, सब लोगों को देवांशु का नाम लिखना है। लिखा सबने, दा में एक ही मात्रा दे, वा में आ की मात्रा वा और उसपे अम की बिंदी, और शा में छोटे ऊ की मात्रा देवांशु। देवांशु को आता है कि नहीं, देवांशु का नाम लिखना यस मैम, आता है? वेरी गुड, शाबाश शाबाश। लिखो लिखो देवांशु। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है रेखा। रेखा र में एक ही मात्रा रे और ख में आ की मात्रा खा, रेखा। सबने लिख लिया? शाबाश। अब एक चीज का नाम मैं बोलने जा रही हूं, उसकी एक बहुत अच्छी चीज बनती जो सबको बहुत पसंद है, उस चीज का नाम बताऊं? पकोड़े किसको पसंद है? पकोड़े किसको पसंद है? हाँ देखो सबको पसंद है पकोड़े। अच्छा पकोड़े कैसे बनते हैं? पकोड़े काय से बनते हैं? बेसन। बेसन करेक्ट करेक्ट, बेसन। चलो लिखो बेसन। बेसन हाँ लिखो लिखो बेसन लिखो। चलो ब में एक ही मात्रा बे, स म
न बेसन। हाँ वेरी गुड, लिखा सब। हाँ बेटा नहीं लिखना, बेटा पकोड़े नहीं लिखना, बेसन लिखना है। वो तो मैं बता रही थी कि बेसन से पकोड़े बनते हैं और पकोड़े सबको बहुत पसंद हैं, है ना मैम? पकोड़े में भी एक ही मात्रा आ रही है। नहीं बेटा पकोड़े में हाँ लास्ट में डा में आती है, पहले प फिर क में औ की मात्रा और ड में एक ही मात्रा, पकोड़े, है ना? पकोड़े नहीं लिखना आपको अभी, जब हम ओकी और ओकी मात्रा करेंगे तब लिखेंगे, ठीक है? अभी तो हम पकोड़े को याद करके मुंह में पानी लाएंगे, ठीक है? चलिए अगला शब्द, अगला शब्द है बेटी। ये हमारी सारी प्यारी प्यारी बेटी बैठी हैं, है ना? बेटी, ब में ए की मात्रा बे, टा में बड़ी छोट बड़ी की मात्रा टी, बेटी। अच्छा जो लड़के हैं वो लिखो बेटा और जो लड़कियां हैं वो लिखो बेटी, ठीक है? तो दोनों वर्ड हो जाएंगे, है ना? हमारे बहुत सारे प्यारे प्यारे बेटे भी बैठे हैं यहाँ पे, है ना? और बहुत सारी प्यारी प्यारी बेटी भी बैठी हैं, ठीक है? तो बेटी और बेटा, ठीक है? और जिसको दोनों लिखना है वो दोनों लिख लो, ठीक है? जिसको दोनों लिखना है वो दोनों लिख सकते हैं। वेरी गुड, चलिए। अच्छा अब जो शब्द मैं बोलने जा रही हूँ, अभी अभी नवरात्रि हुई है, परसों ही नवरात्रि खत्म हुई है, तो नवरात्रि में हम किसकी पूजा कर हमने किसकी पूजा की थी? दुर्गा जी देवी की, है ना? लिखो, लिखो देवी की। द में एक ही मात्रा दे, व में बड़ी की मात्रा वी, देवी, है ना? नवरात्रि में हमने देवी की पूजा की थी। लिखा सबने देवी? मैम हाँ बोलो। आई गो टू टॉयलेट। हाँ जाओ अद्विक, जाके आओ, जल्दी जाके आओ। सबने देवी लिखा, ओके। चलिए नेक्स्ट है, आप जब बड़ी क्लास में चले जाओगे ना तो आप उसको यूज करोगे, उपयोग करोगे, ऐसी चीज का नाम अब मैं बोलने जा रही हूँ। कोई गैस कर? यस आराध्या, करेक्ट, यस वेरी गुड आराध्या। क्या नाम है? पेन। लिखो साहब, प में एक ही मात्रा पे और न, पेन। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो उसको यूज करोगे और उससे लिखोगे फिर। अभी तो आप कैसे लिखते हो? पेंसिल। अच्छा पेंसिल में भी एक ही मात्रा है ना? पेंसिल में भी एक ही मात्रा है, पर उसमें आधा शब्द भी है, छोटी ई की मात्रा भी है। अच्छा पेंसिल लिख सकते हो क्या? पेंसिल लिखना आएगा? लिख के देखो जरा, पेंसिल कैसे लिखोगे? पेंसिल पेंसिल। हाँ बिल्कुल सही बोला, बहुत सही बोला, पेंसिल। मैम हाँ बेटा न आधा एक हो क्या? हाँ बेटा, या तो न आधा ले ले लो या सी के ऊपर अम की बिंदी लगा दो, ठीक है? दोनों चलेगा। चलिए अगला शब्द बोलूं मैं,
चलिए अगला और आखिरी शब्द है, आखिरी शब्द है पेज। प में एक ही मात्रा पे और ज, अभी आप जिसके ऊपर लिख रहे हो है ना, आप काय पे लिख रहे हो, पेज पर पेंसिल से लिख रहे हो है ना, पेज। अच्छा सबने लिखे, सबको एक ही मात्रा समझ में आई बेटा, सबको एक ही मात्रा समझ में आई। यस मैम। हमने एक ही मात्रा के खूब सारे शब्द लिखे। अब आपके आपके पास कोई बड़ा अगर होगा तो आप उससे चेक करवाना और आप अपने आप को नंबर मार्क्स भी देना, ठीक है? ठीक है, चेक कराना, ठीक है? अभी नहीं, थोड़ी देर बाद किया तो भी चलेगा, ठीक है? तो आप सब चेक करा ले, फोटो भी भेजना है। हाँ भेज देना, ठीक है? हाँ देवांश, हाँ अद्विक आ गए तुम? तुमने लिखा क्या, कहाँ तक लिखा है अद्विक? अभी जो लास्ट बोला था ना वो लास्ट ही कर दिया। कौन सा, तुम शब्द तो बताओ मुझे। पेज, पेज वाला खत्म गया। हाँ, पेज हो गया, पेज लास्ट शब्द है, ठीक है? पेज जो है वो लास्ट है। अब आप लोगों को क्या करना है अद्विक, किसी बड़े से चेक कराना है ना, क्योंकि मैं तो पास हूं नहीं आपके जो मैं चेक कर सकूं, है ना? तो चेक कराना है और आप कितने सही हैं उसमें आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है? मैम आपने 30 नंबर पे क्या बोला था लास्ट में, पेज 30 नंबर पे? अब बेटा तो 30 नंबर पे कौन सा, आप किसके बाद बोल रहे हो मुझे ये बताओ। बेटी के बाद। हाँ बेटी के बाद, बेटा बेटा, बेटी के बाद बेटा, बेटे के बाद आपने क्या बोला? बेटे के बाद बेटे, देवी। हाँ देवी, देवी देवी आ रही ही देवी। उसका पेन था। हाँ ठीक है, पेन भी लिख सकते, पेंसिल और उसके बाद पेज, ठीक है? चलिए सबने लिख लिया, आज आपको एक ही मात्रा समझ में आई, खूब सारे शब्द लिखे हमने एक ही मात्रा के, है ना? ठीक है, अब अगली क्लास में हम आई की मात्रा करेंगे। ए के बाद कौन सी आती है, आई की मात्रा, ठीक है? कल से तो छुट्टियां हैं। आज लास्ट क्लास थी, अब इसके बाद हम जब मिलेंगे तो हम आगे की पढ़ाई करेंगे, पर भूल मत जाना अभी जितना सिखाया है, ठीक है? भूल मत जाना। हाँ चलिए, अब आप चेक करा लेना और अपने आप को नंबर देना, ठीक है? ओके चलिए, अब आज की क्लास का टाइम हो गया है, हम शांति पाठ करते हैं। ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स। हाँ वात्सल्य, हाँ वात्सल्य, पिछली बार करवाया था उसका भेजा ही नहीं। अच्छा नहीं भेजा क्या, ठीक है मैं देखती हूँ। हाँ वात्सल्य मैं देखती हूँ बेटा, चलिए ओके। ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स फॉर शांति पाठ। ओ शांति शांति बाय बेटा, बाय बाय।